आप देख रहे हैं क्या स्टोरी 33 अमित के साथ। क्या स्टोरी 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अमोक दीक्षित जी ने। तो सबसे पहले अमोक जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हम चार दोस्त फरुखाबाद में एक साथी अटेंड करने गए थे। साथी को अटेंड करने के बाद अब वक्त हो गया था घर लौटने का। लिहाजन अपने दोस्तों से मैंने कहा, चलो भाई अब घर पर चलना है कि नहीं। फिर हम सभी गाड़ी के पास पहुँचे और ड्राइवर को चलने को कहा। अब रात के 2 बज गए थे तो रास्ता भी पूरा खाली और सुनसान था, जिस वजह से ड्राइवर गाड़ी को स्पीड में ड्राइव कर रहा था। मगर मेरे एक दोस्त ने ड्रिंक कर रखी थी तो उसे चलती गाड़ी में बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, मानो उसे उल्टी आने वाली हो। और फिर कुछ ही देर बाद उसने गाड़ी में ही उल्टी कर दी। मैंने तुरंत ही ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। जब गाड़ी रुकी तो हम सभी ने अपने दोस्त रोबिन को कार से बाहर निकाला और पानी से उसका मुंह हाथ धोया। साफ सफाई होने के बाद हम चल पड़े अपने घर की ओर। अब हम खेतों के बीच से जा रहे एक कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे, जहाँ रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था, इसलिए गाड़ी थोड़ी धीमी चल रही थी। और हमें जल्दी से घर पहुँचना था क्योंकि मेरा दोस्त रोबिन की तबीयत जो ख़राब हो गई थी, उसका बार बार उल्टी जैसा ही मन कर रहा था कि तभी मेरे एक दोस्त की नज़र सामने की ओर गई और मुझसे बोला, अरे यार वो क्या है। जब मैंने उस ओर देखा तो पाया कि एक महिला जो सफ़ेद कपड़े पहनी थी वो हवा में उठी हुई है। उसे देखते ही एक पल को तो मैं भी डर गया, मगर हम कई लोग थे तो हम सभी की हिम्मत बंधी हुई थी और ज़्यादा घबराए नहीं। पर ड्राइवर अपने धुन में ड्राइव करे जा रहा था, मानो उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास ना हो कि कोई औरत गाड़ी के सामने बार बार दिखाई दे रही है। खैर मेरे एक दोस्त ने लाइटर जलाया और लाइटर के जलते ही वो हवा में उड़ रही औरत गायब हो गई। और फिर कुछ ही देर के बाद हम सभी अपने घर पहुँचे। जब लोगों को ये बात मालूम चली तो पता चला कि उस औरत का उसी जगह पर एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। और तब से वो औरत रात बेरात में लोगों को नज़र आ जाती है। तो दोस्तों इस कहानी पर बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।